गढ़वा बदल रहा है, आप देख सकते हैं बदलाव है। पहले यहाँ पर सिर्फ हेलीपैड था, लोग बहुत कम लोग आते थे, और आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, इतने बड़े समरणालय बन गया है, तो निश्चित तौर पर गढ़वा मेरा बदल रहा है। अभी हम जस्ट तुरंत देखिए हाईवे पर घूम कर आ रहे हैं, हाईवे पर आ रहे हैं, तो कभी गाड़ियाँ 40-50 की स्पीड भी चलाना मुश्किल था, आज 100 के आसपास गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो गढ़वा तो मेरा बदल ही रहा है। सरस्वतिया पुल जो कभी जाम का नज़ारा लगाता था, आज ठीक ठाक हो गया, तो मैं तो यही कहूँगा गढ़वा बदल रहा है और नए साल में और बदलाव हो ये उम्मीद करता हूँ। गढ़वा के लेके क्या बोलिएगा? गढ़वा पहले से जब मतलब मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, हम पटना से, लेकिन यहाँ आए थे तो पहले बहुत स्थिति खराब था, इन 5 साल के अंदर बहुत सुधार देख रहे हैं और अब हमको अच्छा लग रहा है, एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ का अभी सरकार कौन है झारखंड का, मालूम है किनका सरकार है? अभी तो सरकार ये देखिए जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। गढ़वा का जो काम हो रहा है कैसा काम है, विकास का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है विकास का काम। पहले जब था कि लाइट, एकदम लाइट का सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं था, मुश्किल से हमको लगता है 5-6 घंटा लाइट रहता होगा, अब तो पूरा टाइम रहता है। पहले 4-5 घंटा लाइट रहता था, हाँ, तो और अभी लगभग तो लगभग पूरे सब टाइम रहता है, 1-2 ही घंटा होता है कि लाइट कट, 24 घंटा में मात्र 1-2 घंटा शायद हो, कभी कभी होता होगा। अब इसके अलावा अगर सड़क वड़क की बात करें, सड़क इधर का तो वो सुधर गया, लेकिन जो मेन रोड है गढ़वा उसमें अभी सुधार का जरूरत है। और बाकी इधर बाकी सब ठीक है। ऐसे यहाँ स्थानीय एक मंत्री जी हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, उनको क्या कुछ बोलिएगा? वो तो अपना अच्छा से काम कर ही रहे हैं, बस गढ़वा का जो मेन रोड है ना उसमें थोड़ा सा उसको सुधार करने का जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमन जा रही है ट्रैवल करे तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा गड्ढा है रोड पे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने को। चलिए, मैं लगातार भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ता जाता है। अच्छा, गढ़वा के विकास कैसा है, विकास के काम हो रहा है? हाँ सर, जैसे में क्या क्या बन रहा है? अब इतना पता नहीं है, देखिए समरणालय बन गया, पार्क बन गया, हाँ, और क्या बोलते हैं मैच खेलने वाला स्टेडियम बन गया, टाउन हॉल बन गया, ये सब बन रहा है। चलिए, गढ़वा बदल रहा है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बुड़बा का आप आदमी थोड़े हैं, आप तो महिला है ना। अच्छा, नहीं कुछ बताइएगा, अभी कहाँ है ये बता दीजिए, कहाँ पर है नहीं मालूम? गढ़वा बदल रहा है, क्या कुछ बोलिएगा, कैसा लग रहा है तस्वीर? पहले से तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, सब नया समरणालय दिख रहा है, हेलीपैड दिख रहा है। अच्छा, गढ़वा में विकास के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, विकास के काम हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, गढ़वा जेएमएम के सरकार 4 साल कम्प्लीट कर चुका है, क्या कुछ बोलिएगा? सब बढ़िया ही चल रहा है, दिख काम दिख रहा है, विकास के काम हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, झारखंड में किसका सरकार है मालूम है? जेएमएम का। ऐसा स्थानीय एक मंत्री जी है मिथिलेश कुमार ठाकुर, जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं लोग बनवा रहे हैं, क्या उनको बोलिएगा ठाकुर जी के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में पुनः चुनाव होने वाला है, है उनका अच्छा काम चल रहा है, तो वही ना। कैसा सरकार चुनिएगा? अच्छा, जो प्रोग्रेस करे, जो कुछ काम करे, अच्छा काम करे उनको। अच्छा, उन्हीं को। जी बोलिए जी। नमस्कार, मैं अमरीश कुमार तिवारी। हाँ, हमारा कहना यह है कि यहाँ की सरकार तो काम कर रही है, लेकिन मेन जो है 5 किलोमीटर गढ़वा शहर जो है उसका रोड अच्छा नहीं है, इस पर ध्यान। ये मेन रोड का बोल रहा है, मेन रोड का, गढ़वा शहर में जो मेन रोड का स्थिति है वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक मिथिलेश ठाकुर की बात है, तो जहाँ तक मिथिलेश ठाकुर की बात है तो वो जो है कि बालू को लेकर के अभी जो सूचना मिल रहा था तो उससे मजदूर लोग काफी परेशान है, तो ये अभी बालू उठाव शुरू हुआ है, फिर भी ये शुरू हुआ, अभी थोड़े शुरू, अभी 1 हफ्ता के लिए चालू किया गया, उसको सुनने में आ रहा है। कहाँ पर? ऐसा तो नहीं जानकारी हम लोग का, तो ऐसा तो मिल रहा है जिसे सुनने में आ रहा है हमको। कौन घाट, ये घाट का पता नहीं हमको, लेकिन इसके चलते बहुत लोग मजदूर लोग आकर भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरा कहना है कि आज के जो मिथिलेश ठाकुर जी हमारे मंत्री माननीय विधायक जी हैं जी, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, बालू उलू पर ध्यान देना जी, बिल्कुल। अच्छा, गढ़वा में विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं? जी, विकास का काम तो हो रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे क्या क्या काम हो रहा है, कुछ काम? जैसे ये बना नया समरणालय बना हुआ है, सामने ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो इसके बारे में तो नहीं मालूम है। पार्क बन रहा है जी, पार्क क्या बन रहा है? पार्क बन रहा है। और क्या क्या काम हुआ है? बाईपास जी, बाईपास का काम हो रहा है, जोरों शोरों पर चला रहा है, बाईपास हो रहा है जी, बस यही है। सड़क वड़क कैसे? आप घर कहाँ हुआ? मेन बस स्टैंड रहा, बाजार इंडिया के बगल में मेरा घर से उधर। अच्छा, बस स्टैंड के पास जी, टाउन बस स्टैंड भी बन रहा है जी, बस स्टैंड तो बन रहा है, हाँ। लेकिन टाउन का रोड जो है अच्छा नहीं है अभी तक, मैंने टाउन का रोड खराब है, इसके अलावा बस स्टैंड तो बन रहा है ना जी, बाकी काम हो रहा है, प्रगति पर है, प्रगति पर है जी।
चलिए, ये गढ़वा मतलब बदल रहा है। जी बिल्कुल बदल रहा है। आप मानते हैं ना? जी, विकास का काम हो रहा है। जी जी, चार साल हो गया है सरकार का, मालूम है? जी, चार साल हो रहा है। क्या उपलब्धियाँ क्या है उनका, पता? उपलब्धियाँ है जो कि सराहनीय है, और आगे भी अगर इस तरह से अगर करते रहेंगे काम तो आगे भी अच्छा होगा। चलिए, बदलती गढ़वा की तस्वीर में हम मौजूद हैं, क्या ठीक है? जी, ऐसे देख रहे हैं, बोलिए। ऐसे देख रहे हैं जैसे पूरा गुस्सा उस्सा? नहीं नहीं, गुस्सा में काला। कहाँ घर हुआ? मेरा तो घर कजरू काला पड़ेगा। कजरू करा? क्या ड्राइवर है क्या? नहीं, ड्राइवर तो नहीं। क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन का। अच्छा, बिजनेस। अच्छा, गढ़वा में जो बदल रहा है तस्वीर, क्या बोलिएगा, विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? विकास के लगभग लगभग काम हो रहा है। लगभग लगभग काम हो रहा है जी। जैसे जैसे कि अभी जो आपका सामने जो समाहरणीय गढ़वा जो है, समरणालय, हाँ, समरणालय में भी विकास, अस्पताल में विकास, अस्पताल में भी विकास, हाँ, अस्पताल में भी कुछ विकास है। अच्छा, 24 में चुनाव होने वाला है जी, किसको वोट दीजिएगा? हम तो बीजेपी हैं। अच्छा, बीजेपी हैं जी। मैंने मंत्री जी का तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वोट देना है बीजेपी को? जब मैं सच्चाई बोलने से कहे नहीं, बढ़िया ईमानदार आदमी है। मेरा जो विकास के काम जो है मंत्री जी जरूर करवा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भक्त है और बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, जो विकास के काम करवाता है उसको वोट देना चाहिए या तो फिर किसी को? जी, देना चाहिए। मैं इस जिले को हूँ नहीं, मैं पलामू जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा विश्रामपुर विधानसभा होता है, मेरा विश्रामपुर विधानसभा में बीजेपी के। आप विश्रामपुर से आप यहाँ पर घूमने आए हैं? जी। मैंने गढ़वा के बारे में सुने थे, कोई बताया था कैसे अचानक चल दिए चलो घूमते हैं गढ़वा? नहीं, गढ़वा में मेरा ससुराल है। अच्छा, पूरा फैमिली बच्चे के साथ हैं? जी जी। आपकी वाइफ है? जी। क्या खा रहे हैं आप? पॉपकॉर्न। हाँ, पॉपकॉर्न। ये तो घर में भी आप बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो आप खरीद के खा रहे हैं? क्या हुआ, तो घूमने आए तो खरीद के खा रहे हैं। आप अपना पति देव को ले आ गए? अच्छा, गढ़वा के बारे में इनको कुछ बताए हैं कैसा कैसा गढ़वा है? नहीं बताया है। नहीं बताया है, तो ऐसे अचानक घूमने आ गए? हाँ, हम, मेरा घर है यहाँ गढ़वा। अच्छा, गढ़वा में कैसा, अच्छा लग रहा है? अब गढ़वा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? हम यहीं पे जन्मे लिए हैं तो हमको पता नहीं है कि बदल रहा है। अच्छा, पहले कैसे गढ़वा था, 4-5 साल पहले कैसा था? बहुत इस तरह से नहीं था, बहुत अलग था गढ़वा 5 साल पहले। और अभी 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 बहुत चेंजिंग हुआ है। ऐसे घंटा घर बना हुआ, आप लोग कभी सेल्फी उल्फी लिए हैं घंटा घर के पास? नहीं। और ये समरनालंग यहाँ भी सेल्फी नहीं ली है? नहीं। आज आए हैं तो आज ले ही लीजिएगा ना। हाँ। क्या बोलिएगा? मैं बोलूँगा एक चीज कि जो भी, मैंने गढ़वा के पब्लिक जो भी सुन रहे हैं, यहाँ एक चीज का कमी। क्या? शिक्षा के बहुत कमी। शिक्षा की कमी बहुत कमी है, बहुत कमी है। ना एक भी बढ़िया यहाँ मतलब पढ़ाई स्थान से जो विलम्ब करता है कोई नहीं। कॉलेज बढ़िया नहीं है ना? कॉलेज बढ़िया नहीं है जी, एकदम नहीं। जैसे आप देख के चलिए, इसी का बगल में रेहला है, बिरला जो तो प्लांट है, कंपनी है, कंपनी के सामने जो बिरला स्कूल भी है, देख लीजिएगा उसको मार के। आपको सनातन है, ये सब शिक्षा के मामला में यहाँ से रेहला टॉप। तो रेहला मैंने पलामू जिला टॉप है जी। लेकिन गढ़वा में भी आपको बता दे, कॉलेज कई जगह पर कॉलेज बन रहा है, कुछ दिन के बाद शिक्षा व्यवस्था शायद ठीक किया जा सकता है। कई कई जगह पर कॉलेज जो है बनाया जा रहा है। चलिए, पलामू से आए हुए थे और गढ़वा के बारे में इनको किसी ने जानकारी दिया जी, अच्छा जगह है। और अभी जो है अंदर में जाने के अलाउ नहीं है, बंद कर दिया गया है। हालांकि पहले जो है चालू रहा करता था, लेकिन इनको पता है कि जनवरी, 1 जनवरी 2 जनवरी को इस जगह भीड़ लगता है, इसलिए जो है इस ग्राउंड को खाली करके जो है उधर के बाकी ग्राउंड को लॉक कर दिया गया है। दिसंबर का महीना से लेकर जनवरी तक लोग जो है पिकनिक मनाने आते हैं। जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये जो है हेलीपैड है, सामने में जो है समरणालय बनकर जो है तैयार है वो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो है सामने में जो है पार्क अभी बन रहा है।